फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सरस हियर। और आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि बचपन का प्यार आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल के ऊपर है। गाइस, मैं आज ना ही मेकअप के ऊपर बात करने वाली हूँ, ना ही ज्वेलरी मेकिंग के ऊपर, ना ही कोई स्टाइल के ऊपर, किसी चीज के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आज अपने बचपन का जो मेरा प्यार था उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जब हम छोटे रहते हैं और जब हम टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वैसा दिखने का, वैसा ट्राई करने का मन करता है, बट स्कूल में रहने के वजह से और फैमिली रिस्ट्रिक्शन के वजह से हम कर नहीं पाते हैं। फैमिली रिस्ट्रिक्शन लाइक कि छोटे रहते हैं तो हमें मम्मी डैड मॉम डैड अलाउ नहीं करते हैं कि यार ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें दिखता है, समझ में आता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार प्रैक्टिकल में तो ये कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी बहुत सारे सीरियल्स देखती थी और मैं उन सब सीरियल से बहुत ज्यादा रिलेट करती थी। और पता नहीं, शायद भगवान का ही ये कृपा है कि मैं सीरियल वगैरह में ही ज्यादा स्टाइलिंग करती हूँ, ना कि ज्यादा एड शूट एंड ऑल, बट सीरियल वगैरह में मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है अभी तक। और जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर सोनपरी देखती थी, मैं शकालाका बूम बूम, जूनियर जी एंड शक्तिमान, ऐसे सब सीरियल्स आते थे। मेरा सबसे फेवरेट था शरारत, जो ऐसे उंगली करके लोग परियां बन के करती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। मुझे ऐसा लगता था कि काश मुझे भी ऐसे परी बन जाऊं और ऐसे छड़ी घुमाऊं और मुझे जो चाहिए था वो मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि वो स्क्रिप्ट था, ना कि ये, बट वैसा देखते देखते हमारे दिलो दिमाग में वैसा बैठ जाता है, छप जाता है। मुझे याद है कि एक बार मैं यू नो दैट मैजिक पेंसिल था वो शकालाका बूम बूम का, तो वो उसने ना ऐसे ड्रॉ करके एक केक बनाया और वो केक फटाक से आ गया। और वो टाइम पे मुझे केक बहुत 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 ज्यादा पसंद था। पता नहीं क्या हुआ, बड़े होते होते ही सारी ख्वाहिशें मर गई। जब खाने का टाइम मिला और मिलता रहा मुझे, तो मैं खाना ही, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगा, लगता था कि मैं खाऊं या ये करूं। बट वो केक देख करके मुझे उस टाइम पे इतना लालच आया ना कि यार काश मेरे पास वो पेंसिल रहती थी और मैं वो ड्रॉ करती थी और मेरे पास भी ऐसी आ जाती थी। बट बोलते हैं ना, जैसे बड़े होते हैं हमें समझ में आता है। तो मुझे आज भी याद है और हमेशा से मुझे चाहिए था कि मैं जो सोन परी में फ्रूटी थी उस, वो हमेशा ऐसे बाल करके ऐसे 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 उसमें ये लगाती थी, तो मुझे ना वो बहुत ज्यादा पसंद आता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं वैसा ट्राई करूं। बट वो टाइम पे हम स्कूल में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम स्कूल में जा करके ऐसे हेयर स्टाइल तो करके जा नहीं सकते, और रियल लाइफ में भी अगर पार्टी में भी जा रहे हैं तो वैसा इट्स लुक सो फनी। लेकिन टीवी तो टीवी है, हम उसमें देखते हैं और हमें लगता है कि सब चीजें हम अपने लाइफ में नहीं ढाल सकते, क्योंकि वो जो दिखाते हैं, हालांकि अब जाके मुझे समझ में आया कि जो वो लोग दिखाते हैं वो एक लिमिटेड इसमें रहता है, ना कि मतलब सब प्रैक्टिकल रहे, सब प्रैक्टिकल नहीं रहता है, कुछ कुछ चीजें ही प्रैक्टिकल रहती है, बाकी तो सब फिक्शन रहता है और सारी इनप्रैक्टिकल। मतलब ऐसा हम लोग अगर रियल लाइफ में करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैंने कहाँ गया, हाँ इधर है। सो मैं एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मुझे, हालांकि मैं ज़्यादातर मैं बोलती हूँ ना सड़क छाप रोड की चीज़ें और वैसे ही सस्ती वस्ती चीज़ें उठाती रहती हूँ, तो मैं ऐसे एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मुझे दिखा एक आंटी बेच रही थी। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए भी पसंद है कि ट्रेन में कुछ चीज़ें खरीदना जो मुझे पसंद आ जाती है, कि अगर मैं वही शॉप से लेती हूँ ना तो बोलते हैं ना कि उतना हेल्प नहीं हो पाएगा जो मैं उस बंदी से और उस औरत से ले रही हूँ, जो एक उम्मीद से हर ट्रेन में जाके एक लिमिटेड जो उनका स्टेशन रहता है उधर से उतना ही इसमें बेच पाते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उनसे लेती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ही परचेज करूँ कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है, जैसे कि ऑक्सीडाइज बैंगल हो गया और कभी कभी ऐसे कुछ ईयरिंग हो गए, और मतलब जो डेली चीजें रहती हैं छोटी मोटी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनसे ही लूँ। तो मैंने मैं एक दिन वो बेच रहे थे तो मेरी नजर पड़ी इन दोनों पे, तो मैंने बोला आंटी मुझे ये दो चाहिए, किसी मुझे प्लीज दे दो दे दो। तो उसने दिया,
तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोग अगर मेरे ही एज में 2000s 90s ऐसे बहुत देखे होंगे, इनफैक्ट वो टाइम के तो गुंडे भी पहनते थे ये इधर 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 ऐसे ऐसे लगा करके, और एकदम उनको अगर कूल लुक देना रहता था तो ये पहन के कूल लुक बनाते थे। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई करूंगी और मैं वो देखूंगी कि जैसे फ्रूटी दिखती थी क्या मैं वैसी ही दिखती हूँ कि नहीं, मेरा बचपन का प्यार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is looking so funny. ऐसे भी प्यार नहीं पालने का यार। कोई कोई खाली एक में लगा के छोड़ देता था, बट मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूं कि ऐसे तीन तीन लगाऊं। आहा हा, क्या बात है। सब लोग बोलेंगे सरस पागल हो गई है, लिटरली पागल हो गई है, कुछ भी करा रही है। बट सच्ची बोलू ना, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। ऐसी भी क्या ख्वाहिशें जो पूरी ना कर सके, इतनी छोटी मोटी तो हम कर ही सकते हैं। क्या बात है, ये ऊपर जा रही। हाँ ला ला ला। अभी सेम ये साइड में करती हूँ। कितना क्यूट लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया है और ये नीचे। हाँ अभी ठीक है, सही लग रहा है। सो आई होप मेरा ये थोड़ा बचपन का प्यार पागलपंती जो भी बोल सकते हैं आप लोग बोलिए, और मुझे तो बहुत पसंद आया ये करते हुए, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कुछ ट्राई करूं। और मैंने जैसे आप लोग को बताया कि क्या ये करके हम स्कूल में या पार्टी में जा सकते हैं, नहीं ना, ये तो जस्ट फॉर फन, और फन के लिए तो भाई कुछ भी करेंगे हम लोग। वाह। सो आई होप मेरा ये लुक और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोग भी बचपन में क्या ट्राई करना चाहते थे अपने टीवी सीरियल से, मूवी से, या कोई भी चीज देख करके कि काश मैं ये ट्राई कर सकती थी जैसे मैंने किया। सो मुझे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।